चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? बहुत बारिश चल रही है पूना में, और एक चीज है दोस्तों, गवर्नमेंट बहुत सारी खबरों की बारिश दे रही है जो इतनी अच्छी नहीं है फॉर सम कंपनीज, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए अच्छी है। बता रहा हूं आपको, 12,000 रुपए यानी $150 के नीचे जो भी फोन आने वाले हैं वो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स नहीं बेच सकेंगे इंडिया में। Yes, ये क्यों किया है? ताकि लावा, माइक्रोमैक्स, ये जो इंडियन कंपनीज हैं वो ज़्यादा उनको प्रमोट करना है और वो ज़्यादा उनके स्मार्टफोन्स बेच सके। तो बेसिकली शाओमी, रियलमी, इन्फिनिक्स, ये सब जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं दोस्तों और जो बजट सेगमेंट में है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि 12,000 के नीचे वो फोन्स नहीं बेच सकेंगे। अगर उनको लॉन्च करना है तो 14,000, 15,000, 20,000, 25,000 के ही फोन्स वो बेच सकेंगे। और इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट जो है दोस्तों, दैट इज़ अराउंड 10,000, 12,000। Even average selling price अगर आप देखोगे तो 13,000, 14,000 की है। So yes, Micromax, Lava वगैरह खुश हो जाएंगे, but Xiaomi, Realme वगैरह बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर बताएगा, क्या गवर्नमेंट का ये करेक्ट डिसीजन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे टेक न्यूज अच्छी लगती है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑलराइट, आए दिन खबर आ रही है दोस्तों 5G लॉन्च के बारे में। पहले ऐसी खबर आई थी कि 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, जियो वगैरह अनाउंस करेगा, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि खुद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अनाउंस करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं 5G 29 सितंबर को। इंडियन मोबाइल कांग्रेस हो रहा है, उस इवेंट में 5G जो है ये अनाउंस करने वाले हैं। परसों के अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा था कि अराउंड अक्टूबर तक हम इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा। सो इट लुक्स राइट, सितंबर 29th इट माइट बी। सो अगले महीने 29th को 5G लॉन्च। और ये जो अगली खबर है दोस्तों, ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। आई मीन प्राइवेसी जो है, सीरियसली इट इज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बताऊं, PF प्रोविडेंट फंड जो होता है, इसका जो डेटा होता है, 28 करोड़ इंडियन लोगों का डेटा हैकर्स लोगों ने लीक कर दिया है। जी हाँ, एक यूक्रेन बेस्ड रिसर्चर है, उन्होंने कहा है कि हैकर ने ये लीक कर दिया है। और ये जो डेटा है, इसमें आपके नाम, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, UANs, ये सब चीज़ें जो हैं PF की, वो सब लोगों के पास है एंड ये हैक हो गई है। इफ़ इट इज़ ट्रू, इट इज़ रियली बैड। मतलब 28 करोड़ लोग, दैट इज़ क्रेजी। कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जी हाँ, फ्लेक्सिबल वेरेबल डिस्प्ले जो है, ये अब आपका जो हेल्थ डेटा है ये एनालाइज कर पाएगा, वो भी ऐसे कि आपका जो ह्यूमन ब्रेन है उसे मिमिक करके, मतलब उसके जैसा होके आपका हेल्थ डेटा वो बेसिकली एनालाइज करने वाला है, बताने वाला है, आपको दिखाएगा कि ये अच्छा है आपके बॉडी में, ये इतना अच्छा नहीं है वगैरह। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे ये रिसर्चर्स ने अभी प्रोटोटाइप ही डेवलप किया हुआ है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेची डिवाइस है जो आपको डालना है और वो ये हेल्थ डेटा देता है। सो या वेरी सून दैट माइट बी पॉसिबल कि आपने कुछ डाला हुआ है आपके बॉडी के ऊपर और सब आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो बताते हैं। वैसे स्मार्ट वॉच अभी भी थोड़ी बहुत चीजें बताता है, बट आगे और भी ज्यादा डेटा मिले। ऑलराइट, लॉन्च के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मोटोरोला ने उनका Moto G32, ये 4G फोन लॉन्च कर दिया है। 90Hz LCD है, Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर है, 50 MP का कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी, उसका वीडियो आ गया है, जरूर जाके देखिएगा। अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन, आई थिंक फॉर इफेक्टिव प्राइस ऑफ अबाउट 11,500, 10,500-11,500 जो इफेक्टिव प्राइस इसकी आई हुई है, उस हिसाब से मुझे लगता है सही में बहुत अच्छा है। चलिए अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। ये चाइना का लॉन्च है, बट बड़ा लॉन्च होने वाला है। मोटोरोला ने कंफर्म कर दिया कि उनका मोटो X30 प्रो, S30 प्रो एंड माय फेवरेट रेजर 2022 ये चाइना में लॉन्च होने वाला है। याद रखिए, चाइना में लॉन्च होने के बाद इंडिया में भी आएगा, बट यस, मोटोरोला इज लॉन्चिंग मल्टीपल फोन्स। और हाँ दोस्तों, मोटो G32 लॉन्च हो गया, अब मोटो G62 भी आ रहा है अगस्त 11 को, 9 तारीख को मोटो G32, मतलब आज मोटो G32 हो गया एंड दो दिन के बाद G62 आने वाला है। ये एक 5G फोन है। वैसे अगर स्पेक्स के बारे में बात करूं, 6.5 इंच की 120Hz LCD स्क्रीन है एंड 695 प्रोसेसर आता है इसमें। वैसे दोस्तों, वीवो की तरफ से खबर आ रही है, आपको पता है कि V25 लॉन्च होने वाला है। अब वीवो V25 5G सीरीज के की स्पेसिफिकेशंस आ गए, उनका लैंडिंग पेज लाइव हो गया। कर्व्ड 120Hz OLED स्क्रीन आने वाली है, कलर चेंजिंग बैक है, 64MP का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड Dimensity 1300 प्रोसेसर है। ये इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी, दिस मंथ इटसेल्फ। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट लीक्स एंड रूमर्स। iPhone 14 सीरीज दोस्तों, ये थोड़ा डीले होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। ये जो चाइना ताइवान का भी टेंशन चल रहा है ना, उसकी वजह से, TSMC इज इन ताइवान, तो उसकी वजह से कुछ डिले हो सकता है iPhone 14 लॉन्च। गूगल के फोल्डेबल फोन वैसे कब आने वाले हैं? वैसे अगर मैं गूगल पिक्सल फोल्ड के बारे में बात करूं, अभी भी उसके ऊपर काम ही चल रहा है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि इसमें सिरेमिक बैक पैनल आने वाला है,
2K डिस्प्ले है एंड टेंसोर चिपसेट होने वाली है लेकिन सेकेंड जनरेशन की एंड 50 MP का कैमरा, साथ में पेरिस्कोप लेंस भी होने वाली है गूगल पिक्सल फोल्ड। वन प्लस नॉर्ड वॉच के स्पेसिफिकेशंस आ गए हैं, लीक हो गए ऑनलाइन। रेक्टेंगुलर डायल होने वाली है, बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होगी कहा जा रहा है, मतलब कम से कम 14-15 दिन की होने वाली है या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। फिटनेस सेंट्रिक फीचर्स होने वाले एंड प्राइस भी इसकी अच्छी होने वाली है, एग्रेसिवली लॉन्च करने वाले। दो कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट होने वाले हैं, इंडिया में कमिंग सून। वैसे दोस्तों वन प्लस 10T के लॉन्च इवेंट में मैं गया था, वैसे अगर न्यूयॉर्क का वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, व्लॉग स्टाइल किया हुआ, यू आर गोइंग टू एब्सोल्युटली एंजॉय इट। उसमें उस लॉन्च इवेंट में सबसे ज्यादा जो जर्नलिस्ट लोगों ने वन प्लस कंपनी से पूछा कि यार ये जो स्लाइडर है, अलर्ट स्लाइडर, जो एक मार्की फीचर था वन प्लस का, वो क्यों निकाल दिया, तो उधर भी जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा कि इट इज गोइंग टू कम बैक। अब ऐसी खबर भी आ रही है कि वन प्लस के आने वाले जो फोन होने वाले हैं उसमें अलर्ट स्लाइडर होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिमूव्ड। Thank God. I mean, alert slider and OnePlus go hand in hand. It has to be there. All right, WhatsApp में एक important feature आ रहा है। बहुत सारे ऐसे groups होते हैं जहाँ पे हमें लोग पता होते हैं, एक interest के होते हैं, but हमें numbers वगैरह share नहीं करने होते। ऐसे एक नया feature आने वाला है जहाँ पे कुछ-कुछ लोगों से, अगर आप admin हो, कुछ-कुछ लोगों से आप phone number छुपा पाओगे। मतलब वो group में होंगे, लेकिन आपका जो numbers है, वो नहीं दिख पाएगा उन्हें, अगर आपने छुपाया तो। So, this is an important feature and coming very soon. Time for your favorite thing, rapid fire. जी हाँ, Redmi Pad का internal testing चालू हो गया है। Basically, Redmi का जो tablet है वो बहुत जल्दी आ रहा है इंडिया में, it is going to launch soon. Apple का mixed reality headset जो है दोस्तों Jan 2023 में launch होने वाला है और उसकी price $2,000, मतलब 1.5 लाख रुपए के ऊपर होने वाली है। Realme Watch 3 Pro AMOLED display के साथ आने वाला है एंड ब्लूटूथ कॉलिंग होने वाली है इसमें, जो इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होगा। एंड फाइनली दोस्तों, कलर OS 13 जो है ये ग्लोबली अगस्त में लॉन्च होने वाला है एंड Reno 8 सीरीज जो है सबसे पहले Reno 8 सीरीज में आने वाला है सितंबर में। चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज़ एपिसोड नंबर 1384 होती है खत्म इधर ही। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो कर दिया, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।